kindly subscribe the channel, press the bell icon and share it with your friends. Welcome back to social science class. So class 6, today we will start chapter number 9, that is life of an early man. In this chapter we will read कि पहले वाले टाइम में एक जो मैन है वो कैसे रहता था, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ था, क्या फूड वो खाता था, क्या एक्टिविटीज़ वो करता था. सो वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. बट बिफोर दैट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन ऑल्सो गेट द question answers of this chapter in description box. You can get the link there and by clicking the link you get the all the notes there. So we do not know the exact place of origin of mankind. हमें exactly नहीं पता कि mankind कहाँ से start हुआ था. However, evidences मतलब जो सबूत हैं, जो हमारे पास evidences हैं, indicate क्या करते हैं कि ये जो human species है mainly कब डिवेल्प होना स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे, अफ्रीका में फर्स्ट. याद रखना हमेशा दैट फर्स्टली जो है ह्यूमन स्पीशीज कहाँ देखी गई थी, अफ्रीका में. एंड वो जो है वहाँ क्यों रहती थी अफ्रीका में, बिकॉज वहाँ पर अकॉर्डिंगली क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी मनुष्य के, मैनकाइंड के फेवरेबल थी, मतलब उसको रहने के लिए उसके अकॉर्डिंग थी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. तभी जो है सबसे पहले जो है मैनकाइंड कहाँ पे डिवेल्प होना स्टार्ट हुआ, अफ्रीका में. बाद में ये बिलीव किया जाता है कि ये जो ह्यूमन स्पीशीज है वैंडर्ड का मतलब लिख लो टू वॉक समवेयर विदाउट पर्पस, मतलब मूव ऑन करना कहीं पे, कहाँ पे जाने लगे, अफ्रीका टू एशिया, यूरोप, अमेरिका, यहाँ पर सेटल होने लगे. आर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली मैन इज बेस्ड ऑन रिमेन्स. हमें कैसे पता कि स्टार्टिंग अफ्रीका से हुई, आफ्टर दैट एशिया, यूरोप, अमेरिका. हमें बेसिस पता है ऑब्जेक्ट्स जो मिले, हमें फॉसिल्स मिले एंड टूल्स मिले. ठीक है, इन तीन चीज़ों से बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, फॉसिल्स एंड टूल्स जो एग्जीक्यूट किए गए, कहाँ से एग्जीक्यूट मीन्स टू डिग इन ग्राउंड, मतलब ज़मीन से, ग्राउंड से निकालना खोद के. ठीक है, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पर क्या डिग आउट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया आर्कियोलॉजिस्ट ने. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरानी साइट्स को, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली देखते हैं और उनसे कुछ स्टडी आउट करके कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं. मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन्स. जितने भी टूल्स थे पुराने टाइम के वो स्टोन से, पत्थर से बने हुए थे, इसीलिए उस पीरियड को स्टोन एज बोला जाता था. अंडरलाइन दिस, द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड इज नोन एज द स्टोन एज. इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री मेन फेजेज. हमें ये तीन स्टेजेस, एजेस ही पढ़नी हैं इस पूरे चैप्टर में. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज. यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो ले लो. इंट्रो ये है कि लिथिक का मतलब होता है, लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है, लिथिक मीन्स स्टोन, पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन. नाउ अगर यहाँ पर लिथिक और अलग कर दे तो मैसो रह जाएगा. मैसो मीन्स मिडल, लिथिक मीन्स स्टोन, नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन. सो वी हैव टू रीड अबाउट दीज थ्री एजेस इन दिस चैप्टर. डू यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी चैप्टर फॉर इंक्रीजिंग योर जीके. फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग एम्बेडेड इन रॉक्स. रिमेन्स हैं, बचे हुए अवशेष हैं किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो हज़ारों करोड़ों साल पहले ज़मीन में दब गए या फिर जो है रॉक्स में मिल गए. ठीक है, एम्बेडेड मीन्स टू फिक्स समथिंग फॉर्मली और डीपली, मीन्स जड़ना. ठीक है, ये जो इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आते हैं वो आप रीड आउट अच्छे से करना, आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी. सो फर्स्टली वी आर रीडिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट एज, दैट इज़ द पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन. एंड द पैलियोलिथिक मैन, देखो जो उस एज में जो भी मनुष्य होंगे, मैन होंगे, उन्हें हम किस नेम से बोलते थे, पैलियोलिथिक मैन. वो स्टोन टूल्स जो है वो प्रिपेयर करता था. क्यों करता था?
टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे खुद को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए. ही ऑल्सो यूज फॉर देम फॉर, जो स्टोन टूल्स वो यूज़ करता था वो हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए एनिमल्स का, चॉपिंग मीट मतलब जो मीट है उसे चॉप आउट करने के लिए, चॉप मीन्स कट करने के लिए, कटिंग वुड, वुड को काटने के लिए, डिगिंग मीन्स खोदने के लिए, ठीक है, ज़मीन को. एंड द टूल्स वर नोन एज, और जो उस टाइम पे टूल्स दो टाइप के होते थे, दो टाइप के टूल्स थे, कोर एंड फ्लेक टूल्स. अब देखते हैं कोर टूल्स क्या है. कोर टूल्स ऐसे टूल्स हैं जो लार्ज स्टोन से बने गए हैं, और कैसे बने हैं, उनकी एजिस को मतलब उनके किनारों को शार्पन करके, तीखे करके. देखो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे इसके जो हैं जो एजिस हैं वो शार्प की गई हैं, ठीक है, कटिंग के लिए तो शार्प यूज़ होगा ना. एंड द फ्लेक टूल्स जो हैं वो कैसे बनते थे. फ्लेक का मतलब होता है परत, फ्लेक का मतलब होता है परत. एंड वर फॉर्म्ड व्हेन फ्लेक ब्रोकन पीसेस, ये ऑलरेडी ब्रोकन पीसेस होते हैं लार्ज स्टोन के, तो उसको एक के ऊपर एक परत जमा कर एक 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 किया जाता है. काफ़ी छोटे छोटे टूल स्टोन्स को इकट्ठा करके उसकी एक एक परत जमा के एक बना दिया जाता है, तो वो फ्लेक टूल्स हैं. सो दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश. देखो ये जो भी आ रहा है ये इसके फीचर्स हैं, उस टाइम पे कैसी टूल्स यूज होते थे, कैसी लाइफ थी, तो सब इम्पोर्टेंट है. दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश, मतलब जैसे बना दिए बना दिए. अब आज के टाइम में तो आप देखते हो हर चीज़, हर टूल्स जो है वो उनको अच्छे से प्रॉपर शेप दी जाती है, वो पॉलिश्ड होते हैं वेल. लेकिन उस टाइम पे कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स जो है वो फाइंड आउट किए गए थे, इन्वेंट हुए थे, तो जो उस टाइम पे टूल्स थे क्रूड थे, अनपॉलिश थे. द मैन ऑफ दिस पीरियड, उस टाइम पे जो मैन था उसे फूड हंटर बोला जाता था, मतलब वो अपने खाने के लिए शिकार करता था, फूड हंटर था, गैदरर था, फूड को इकट्ठा भी करके रखता था, और सर्च ऑफ फूड मतलब जहाँ पर खाना मिलता था खाने की खोज में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है वो मूव ऑन करता था. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, उस टाइम की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये थी कि उस टाइम फायर, आग जो है वो डिस्कवर की गई थी, और आग कैसे डिस्कवर की गई थी, बाय रबिंग टू स्टोन्स, दो स्टोन्स को रब करके जो है फायर डिस्कवर की गई थी. फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट, अब फायर क्या बेनिफिट देती थी, कि कोल्ड वेदर में वो वार्म प्रोवाइड करती है और वाइल्ड एनिमल से सेफ्टी प्रोवाइड करती है, दो यूजेस थे फायर के उस टाइम पे. मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड, और क्या किया जाता था, जो रॉ फूड कच्चा फूड उसे मिलता था उसको रोस्ट करता था, जो उस टाइम का मैन था जिसे हम पैलियोलिथिक मैन बोल रहे हैं, क्यों करता था, टू मेक द फूड टेस्टियर एंड सॉफ्टर. सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पीरियड हैव बीन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके चैप्टर के हर एंड में मैप स्किल्स गिवन है, और इस चैप्टर का मैप स्किल्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, यू कैन सी दैट. तो उस टाइम पे जो हम पैलियोलिथिक एज जो है, हमें इसके बारे में कहाँ से इंडिया में पता चला, ये इंडिया की साइट्स हैं. फर्स्ट है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है. हंसी जो है कर्नाटका में है. कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में. बाकी आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैप स्किल्स का लिंक मिल जाएगा, जो चैनल ऑलरेडी अपलोडेड है, सो यू कैन गो थ्रू दैट चैनल. डू यू नो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस. इन दिस डू यू नो अर्ली मैन जो है वो वेरियस टाइप के हाउसेज, वो किस टाइप के हाउस में रहता था. पिट हाउस, पिट हाउस क्या है, ग्राउंड में ना अंडर, जैसे आजकल अंडरग्राउंड हाउसेस बन रहे हैं, तो वैसे ही क्या था, ज़मीन को डिग आउट करके वो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे हाउस नहीं बना हुआ होता था, नीचे बना हुआ होता था, और वो बना हुआ होता था वुड से, और उसके अंदर वो एज एन इंसुलेटर वुड से बना हुआ होता था, और वहाँ पर वो फूड गैदर करके रख भी सकता था काफ़ी टाइम. केव्स, गुफा, ओपन एयर साइट्स जो है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है पिट हाउसेस कहाँ पे देखे गए, मतलब ये भी पैलियोलिथिक एज का एक साइट है. बरजाम जो का है कश्मीर में, ये आपके मैप स्किल्स में भी गिवन है, ठीक है. और वैसे आपको ये सारी साइट जो है इस मैप पे मिल जाएंगी. बरजोम ये कश्मीर का पार्ट है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हंसी कर्नाटका, एंड कुरनूल केव्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो. एंड विच वर डग इन टू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग टू देम, देखो
डग इनटू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर थी, अंडरग्राउंड थी, और वहाँ तक जाने के लिए उन हाउसेज स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेसोलिथिक एज के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट और लाइक ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेसोलिथिक जो एज है, मेसो मीन्स मिडल, हैंस दिस एज जो है रेफर्स टू पीरियड, ये एज जो है पैलोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का पीरियड माना जाता है। टूल्स देखो, अब जब कोई नई चीज़ इन्वेंट हुई तो नेक्स्ट टाइम उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होएगी, तो जो पैलोलिथिक एज में टूल्स इन्वेंट किए गए थे अब वो क्या है, इम्प्रूव्ड होना स्टार्ट हो गए थे। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली एंड मैन स्टार्टेड यूजिंग होर्न्स। होर्न्स मतलब, अब देखो उस टाइम पे तो एनिमल्स ही अवेलेबल थे और तो खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, और बाकी टूल्स बनाने के लिए भी, तो होर्न्स जो है मतलब एनिमल्स के जो होर्न वाले एनिमल्स हैं उनके जो सींग हैं, होर्न्स मीन सींग जो है, या उनकी बोन्स हैं, हड्डियाँ जो है, वो स्टोन टूल्स में ऐड करके थोड़ा स्टोन टूल्स को, पत्थर वाले टूल्स को इम्प्रूव किया गया। ही लर्न टू फिक्स स्टोन टूल्स टू स्टिक्स, स्टिक्स मतलब छड़ी है ना, स्टिक पे क्या किया उसने, मान लो ये स्टिक है, उस पे स्मॉल स्टिक है, मान लो ये इस पे क्या है, स्मॉल स्टोन्स लगा के, ठीक है, इस पे स्मॉल स्टोन्स लगा के उसे यूज़ कैसे करता था, हंट एनिमल्स, ठीक है, उसे अच्छे से जो है एनिमल्स जो है हंटिंग में यूज़ कर लेता था। एंड द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज वो क्या करता था, देखो इसे ऐसे मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट है, मेकिंग हट्स। अब पहले पिट हाउसेस थे, अब क्या है, इम्प्रूव्ड हो गया, हट्स बनने लगी, किससे, ब्रांचेज ऑफ ट्रीज से। एंड ही कॉन्टिन्यू टू ईट, और वो खाने में पहले पिछली एज में क्या खा रहा था, वो एनिमल्स खा रहा था, ठीक है, और अब क्या, सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स, फिश, ये सब जो है उसने खाना स्टार्ट कर दिया था। अब क्या है, पहले देखो फूड क्या था, देखो आपने यहाँ पर पढ़ा ना, ये क्या था, फूड हंटर और गैदरर था। अब इम्प्रूव्ड होगी कंडीशन, तो अब क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब अब वो प्रोड्यूस भी करने लगा, कैसे, अब वो वाटर सोर्सेज के नियर बाय जाके रहने लगा, वाटर सोर्सेज के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है खेती के लिए, इरीगेशन के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, तभी जो है फसल होगी। सो वाटर सोर्सेज लाइक उस टाइम क्या थे, रिवर्स थे, लेक्स थे। सो एग्रीकल्चर जो है बिगनिंग कहाँ से हुई थी, एग्रीकल्चर की मेसोलिथिक एज से। एंड इससे क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस इन दिस पीरियड वेयर मैन लर्न, मैन ने क्या सीखा कि अगर मैं सीड्स जो है ज़मीन में डालता हूँ, ड्रॉप सीड्स इन द सोइल, तो उसे प्लांट्स उगने लगते हैं। एग्रीकल्चर की बिगनिंग मेसोलिथिक एज में हुई थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड टैमिंग एनिमल्स, टैमिंग मीन्स पालतू, ठीक है, अब उसने टैम करना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन जिसे आप बोलते हो, किस किस को, काओ, गोट, शीप, पिग, ठीक है, इन सबको, एंड दैट served his needs like cow पे cow goat, ये सब चीज़ें उसे serve भी करने लगी, उसे सुविधा service भी provide करने लगी। It is said that, और ये बहुत important है, देखो SST another name है GK का, ठीक है, तो जो भी बच्चा, बेशक वो 6th class का है या कोई भी class का है, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो उसकी जीके ज़रूर इम्प्रूव होने वाली है। इट इज़ सेड दैट डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड बाई मैन। सो डॉग पहला ऐसा एनिमल था जो मैन ने टैम करना स्टार्ट किया, पालतू मतलब उसे पालना स्टार्ट किया। एंड मेसोलिथिक मैन जो है वो क्या था, अपने आप को कोल्ड और रेन से कैसे प्रोटेक्ट करता था, वो क्या है, स्किन, एनिमल्स को हंट करके उनकी स्किन रख लेता था और उनको ही अपना एक क्लोथ समझ के, कपड़ा समझ के ओढ़ लेता था, और वो कोल्ड और रेन से बच जाता था। अब यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट्स देखो क्या है, उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंघमपुर, ठीक है, ये साइट्स आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज, नियो मीन्स न्यू एंड एज मीन्स लिथिक मीन्स स्टोन। सो न्यू एज में देखो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, है ना, अब क्या है, स्टोन टूल जो है वो हार्डर हो चुके हैं और स्ट्रोंगर हो चुके हैं, पहले तो क्रूड फॉर्म में थे, रॉ फॉर्म में थे, थोड़े कच्चे थे, लेकिन अब थोड़े हार्ड हो गए हैं। ही बिकेम, अब जो मैन जो है वो टूल मेकर बन चुका है। एंड ही स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स,
अब उसने क्या किया है, टूल्स को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया है। पहले नहीं हो रहे थे ना पॉलिश, अब थोड़े न्यू फॉर्म में, डेवलप्ड फॉर्म में आके पॉलिश होने और ग्राइंड होने स्टार्ट हो गए हैं। एंड जो वेपन्स है, वेपन्स मतलब हथियार भी आ गए उसके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हथियार कौन कौन से हैं। द वेपन्स इंक्लूड स्टोन एग्स, ये नाइव्स, स्पियर्स, आप इनकी थोड़ी पिक्चर्स जो है गूगल पे देख सकते हैं। हार्पन्स जो है वो फिशिंग के लिए यूज़ होता था, अब आप सोचो फिशिंग के लिए क्या यूज़ होता है ना। एंड वुडन बोज, धनुष, एंड स्टोन टिप्ड एरोस, तीर जिसे हम बोलते हैं। उससे पहले हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। द लाइफ ऑफ नियोलिथिक पीपल वॉज नॉट कॉन्स्टेंट, एक जैसी नहीं थी सर्वाइवल के लिए, बिकॉज अब जो है, बिकॉज दे वर गुड हंटर्स, अब बहुत अच्छे हंटर्स बन चुके थे, उनको हंटिंग करना अच्छे से आ गया था और वो अपना फूड जो है स्टोर कर सकते थे, सो दैट उन्हें बार बार हंटिंग करके ईट ना करना पड़े, ठीक है। एंड द रिमेन्स ऑफ सच टूल्स हैव बीन फाइंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो टूल्स हैं वेपन्स की हमने बात की, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फाइंड आउट किए गए। देखो तब इंडिया या अमेरिका ऐसा कुछ नहीं था, तब जो है वर्ल्ड एक ही एज में चल रहा था। अगर मेसोलिथिक एज है तो पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे मेसोलिथिक एज ही चल रही थी। डिफरेंस जो आया था वो नियोलिथिक एज के बाद आया था, कि जो अब जैसे अमेरिका है वो जल्दी डेवलपमेंट कर रहा था, इंडिया थोड़ा लेट डेवलप हो रहा था, तो वो सब चीज़ें बाद में हुई थी। अभी एक टाइम, इस टाइम पीरियड पे पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइप की एज चल रही थी। एंड द प्लेसेस रिलेटेड टू इंडिया, ये अब नियोलिथिक एज की साइट्स हैं। बुरजोम जो हमने कश्मीर का पार्ट पढ़ा वो नियोलिथिक एज में भी था, एंड ये काफ़ी सारी साइट्स हैं, राइट रीड कर लेना। द नियोलिथिक मैन जो है वो राइस और वीट, वो उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। अब उसने अर्थ को अपनी मदर मान लिया था, एंड वर्शिप उसको पूछता था, ठीक है। एंड नियोलिथिक मैन वो बिलीव करता था लाइफ आफ्टर डेथ, या आप रिलेट कर सकते हैं हमारे जो असल ज़िंदगी है उससे, लाइफ आफ्टर डेथ में कैसे। देखो अगर अब किसी की डेथ हो जाती है, कुछ ऐसे मतलब उसमें रिलीजन में ऐसा कुछ है कि जब भी उसे जलाया जाता है तो उसके यूज्ड कपड़े या जो भी वो टूल्स यूज़ करता था, लाइक उसका चश्मा है ना, बहुत सारी चीज़ें, वो उसके साथ ही दफनाई जाती है, जला दी जाती है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो लाइफ उसे मिलेगी तो ये सारी चीज़ें उसको काम आएंगी। तो इसलिए नियोलिथिक मैन जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। सो द डेड वर बरीड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स, पॉट्स, टूल्स, जो भी वो यूज़ करता था पूरी अपनी एंटायर लाइफ में वो उसके साथ ही दफनाए जाते थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट माइट नीडिड दैम इन अनदर लाइफ, कि अगली लाइफ में वो उसे काम आएंगे। एंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, अब जो क्रॉप्स उगाई जा रही है या एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं, वो नियोलिथिक एज की एक अचीवमेंट थी। एंड एज ही डिड नॉट हैव टू मूव कॉन्स्टेंटली, अब उसे फूड के लिए मूव ऑन एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि अब वो सेटल लाइफ जी रहा है। अब वो क्यों मूव ऑन नहीं करना पड़ रहा, हमने पढ़ा, क्योंकि उसे वो अब गुड हंटर्स हो गए थे और वो अब हंटिंग करना जान चुके थे और उन्हें लॉन्ग विंटर तक जो है वो अपने फूड को सिक्योर कर सकते थे। द सेटल लाइफ गेव बर्थ टू इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, देखो अगर एक सेटल्ड लाइफ होगी, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं करेंगे, तो फैमिली जो है वो उसके बारे में सोचता था। एंड ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, उसने नए स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने स्टार्ट किए। अब उसने क्या इन्वेंट किया, सिकल, ठीक है, सिकल फॉर कटिंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अगर आपने देखा हो ग्रास जिस चीज़ से काटी जाती है उसे सिकल बोलते हैं, नहीं तो आप गूगल कर लेना, ठीक है, आप देख लेना। एंड एक्स जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, वैसे इसे कुल्हाड़ी, एक्स को कुल्हाड़ी बोलते हैं। एंड जो किस लिए काम आती थी, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड, ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन फॉर ग्राइंड द ग्रेन, जिसे आप आज के टाइम में चक्की बोलते हो, जिसमें हम लाइक कनक को पीस के आटा जो है निकाला जाता है, वो उस टाइम पे नियोलिथिक एज में फाइंड आउट की गई थी। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ नीटिंग एंड वीविंग, नीटिंग एंड वीविंग उस टाइम पे फाइंड आउट की गई थी, एंड मतलब इसमें आप कह सकते हो बुनाई, ठीक है, निटिंग। ही ऑल स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स एंड विद वूल एंड जूट, वूल और जूट से जो है क्लोथ वीव करने स्टार्ट किए। ही कार्व्ड लिटल स्टैचूज, छोटे छोटे स्टैचूज बनाए, कार्व्ड मीन्स खुदी हुई, लाइक जड़ना उस चीज़ में, ठीक है, आइवरी एंड बोन, ठीक है। आइवरी क्या है, टस्क ऑफ एलिफेंट,
टूथ ऑफ एलिफेंट बोल सकते हो आप, जिससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। पता है ऐसे टूथ एलिफेंट का टूथ होता है जैसे, वैसे वाइट कलर का सब्सटेंस होता है ये आइवरी, जिससे क्या थे मतलब बहुत तीखा शार्प होता है। स्टैचूज में अगर कुछ लाइक स्टैचू है उस पर कुछ लाइक जड़ना है तो वो आइवरी से या बोन से किया जाता था बिकॉज वो बहुत शार्प होता था। सेटल लाइफ ऑल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अभी एक सेटल लाइफ होगी तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कब स्टार्ट हुई थी, न्यूलिथिक एज में। और इन्वेंशन ऑफ व्हील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशन ऑफ व्हील भी न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। एंड जो पीपल जिन्होंने व्हील बनाया था उन्होंने क्या बनाना और स्टार्ट किया, स्लेजेस एंड चैरिट्स। चैरिट्स का मतलब होता है रथ, ठीक है। स्लेजेस क्या होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप स्नो वाले एरिया में कभी गए हो हिमाचल वाली साइड पे, तो अगर स्नोफॉल में जो ये लाइक उस टाइम पे ये कार्स वगैरह जो आज के टाइम में व्हीकल्स दिखते हैं वहाँ स्नो पे चल रहे होते हैं, वो उस टाइम पे नहीं होते थे, वो चीज़ें नहीं होती थी, तो उनको क्या बोला जाता है, स्लेजेस। आप इसकी पिक्चर जो है गूगल पे ज़रूर देखना। दे ऑल्सो यूज द व्हील्स फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्पाइनिंग में, ठीक है, कताई में, जिसका मतलब होता है स्पिनिंग में, मतलब क्या होता है कन्वर्जन ऑफ फाइबर इंटू यार्न। पोइट्री में, पोइट्री मीन्स लाइक ये जो मिट्टी के बने बर्तन हैं, ठीक है, जो आप फायर्ड क्ले से बनाते हो, फायर्ड मतलब उन्हें जलाया जाता है, फिर गिली मिट्टी को एक प्रॉपर शेप देके जलाया जाता है, फिर बर्तन जाके वो मिट्टी का पक्का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ पोइट्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। The man of Neolithic age was responsible for developing the first pottery. First pottery कब invent हुई थी, Neolithic age में। In the beginning में क्या हुआ था, जो handmade pots थे उन्हें धूप में सुखाया जाता था, ठीक है, फिर use किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको clay pots को bake किया जाना लगा। देखो bake किस में होते हैं, oven में होते हैं, लेकिन उस time पर एक चीज़ word use करोगे kilns, ठीक है, एल साइलेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, भट्टी, भट्टी, ठीक है, फर्नेस और अवन फॉर बर्निंग उन्हें जलाया जाता था। बेकिंग ऑन फायर गेव लश्चर, लश्चर मतलब बेक होने के बाद इन पोट्स को, इन मिट्टी के बर्तनों को लश्चर माने चमक आ गई इनमें, और इनको स्ट्रेंथ मिली, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए, और इनकी ड्यूरेबिलिटी मतलब ज़्यादा टाइम तक ये पोट्स यूज़ किए जाने लगे, और इन पे फ्लावर्स, लीव्स, ये सब चीज़ें भी बनाई जाने लगी। एंड इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग क्ले पोट्स इन किन्स, किन्स की बात मैं बता चुकी, फर्नेस और अवन, ठीक है, दैट मैन डिस्कवर दैट। अब फर्नेस और अवन जब आए तो मैन को लगा कि ये जो मेटल है ये भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब अब स्टोन एज ख़त्म होगी और मेटल एज स्टार्ट होगी। इट इज़ बिलीव दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, सबसे पहला क्या था, तांबा, कॉपर जो था वो फाइंड आउट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, अब स्टोन एज एंड होगी और मेटल एज स्टार्ट होगी। एंड कॉपर टूल्स आ गए इन एडिशन टू स्टोन टूल्स इम्प्लीमेंट्स, और इस एज को हम क्या बोलते थे जब कॉपर आया था, चालकोलिथिक एज। चालको का मतलब क्या है, कॉपर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अप टू दिस पीरियड, इस पीरियड में इवेंट्स और जितने भी स्टोन टूल्स हुए थे वो सिमिलर थे, ये बात आ गई ना, एक ही टाइम पे सब एक जैसा चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग था, अमेरिका में अलग, अब एक टाइम पे सब सेम था, बट द यूज़ ऑफ मेटल, लेकिन मेटल के बाद स्टोन एज तो सब में सेम थी, मेटल रिवोल्यूशनाइज हुआ तो ह्यूमन सोसाइटी भी जो है एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। डिफरेंसेस इन स्पीड, अब हर देश में स्पीड अलग होगी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग हो गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पे जल्दी से तेज़ी से डेवलप होता था। दस नियोलिथिक पीरियड जो है एक स्टेप था टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है कि सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं अब हम। Which continent is believed to be the origin of mankind? That is Africa. When did the man become the stone skill tool maker? Neolithic age and tools of Paleolithic. फटाफट से हम आंसर कर लेते हैं। थर्ड का है बी, फोर्थ का आंसर है डी, फिफ्थ का आंसर ए, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट फायर, ओल्ड स्टोन, उज्जैन, जोरवा, कॉपर, न्योलिथिक, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले क्या इन्वेंट हुआ, फिर क्या हुआ सीरियल वाइज। सो आंसर इज 1, 5, 3, 8, 6, 7, 4,
2 and map skills you will get in the video in description box. वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. एंड प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.